नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। अक्सर ही सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उनके योग्यता को लेकर सवाल खड़ा किए जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनके टेस्ट ले लिए जाते हैं और वो उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए तब क्या होगा जब जिलाधिकारी खुद छात्र बनकर बच्चों के बीच कक्षा में आ जाए और कक्षा के बेंच पर बैठ जाए। दरअसल ऐसा ही वाकया मुंगेर जिला से सामने आया है, जहां पर जो डीएम है नवीन कुमार, वो बच्चे बनके बच्चों के बीच छात्र बनकर वहां पे बैठ जाते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि छात्रों को स्कूल में गुणवत्ता शिक्षा मिले और शिक्षक समय पर स्कूल आए, कक्षा का बेहतर संचालन हो, इसको लेकर डीएम नवीन कुमार काफ़ी सख्त दिखा रहे हैं और वो लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में डीएम जो है वो मध्य विद्यालय गढ़ी रामपुर का औचक निरीक्षण करने पहुँच गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारियों ने बच्चों से बातचीत की, पढ़ाई के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ली। इसके बाद डीएम साहब क्लासरूम के पहले बेंच पर बच्चों के बीच बैठ गए। जिलाधिकारी ने बैठ कर पढ़ा रहे शिक्षकों के तरीकों को समझा और उन्हें गाइड भी किया। इस तरीके से उन्होंने बच्चों की मन की बात भी समझी और स्कूल की जो व्यवस्था है उसको काफ़ी बारीकी से समझा भी। इसी के साथ क्लासरूम में बैठे तो उन्होंने अब बच्चों से बातचीत की, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली और साथ ही साथ उन्होंने शिक्षक को भी निर्देश दिया और शिक्षक को भी नसीहत दिया कि किस तरीके से पढ़ाई करने चाहिए, इसके लिए बेहतर तरीके भी डीएम ने बताए। इस दौरान विद्यालय में 3 शिक्षक की प्रतिनियुक्ति राहत केंद्र पर होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और वीडियो को सख्त निर्देश दिया कि शिक्षकों की जो प्रतिनियुक्ति है उसको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरीके से शिक्षकों को कई दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही साथ कई बातों को लेकर उन्होंने स्कूल के तमाम व्यवस्था के बारे में भी निरीक्षण किया और बच्चों से वो रूबरू हुए इस तरीके से स्कूल में जाके और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली कि स्कूल का जो संचालन है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, बच्चों को जो कक्षा में पढ़ाई जा रही है उसकी गुणवत्ता आखिर कैसी है और अगर बच्चों को कोई समस्या है तो उसको लेकर भी वो बच्चे से खुलकर बातचीत भी की। इस दौरान जिस तरीके से डीएम खुद औचक निरीक्षण करने के लिए स्कूल पहुँच गए, वहीं छात्र छात्राओं के बीच और साथ ही साथ अभिभावकों के बीच खुशी का माहौल था, लेकिन वहीं जो शिक्षक थे उनके माथे पर पसीना छूट गया। इस तरीके से नवीन कुमार जो हैं, जो कि जिलाधिकारी हैं मुंगेर के, वो छात्रों के बीच छात्र बनकर ही बैठ गए और छात्रों के बारे में जानने के लिए भी उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली और वहीं उन्होंने शिक्षकों को भी बेहतर शिक्षा देने की नसीहत भी दे डाली। फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।